गाइस आ गए हैं कसौली की मेन मार्केट पे। तो ये सारी कसौली की मेन मार्केट है। यहाँ पे कपड़ा भी है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, गोलगप्पे भी हैं यहाँ पर। इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। मार्केट बहुत अच्छी है। एज़ यूजुअल जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो शॉपिंग करना तो बनता ही है, और मेरा तो फेवरेट जगह और फेवरेट टाइम होता है शॉपिंग करना, एक्सप्लोर करना न्यू थिंग्स को। सो ब्यूटिफुल थिंग्स, अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंजॉयिंग अलॉट। सबके रेट अलग अलग है। 350 है, 150। ये हैंडमेड है ना? ये 450 है, ये 350 है। आप इनकी शॉप पे आ सकते हैं। ये भैया हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, हैंडमेड चीज़ें हैं। आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से आके। इनकी शॉप का नेम क्या है? अन्नपूर्णा जर्नल स्टोर। ये भैया मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ओके गाइस, तो मैं मेन कसौली के माल रोड पे आ गई हूँ, और यहाँ पर अभी मैं पीछे मार्केट से होकर आई हूँ। बहुत अच्छी मार्केट है, एज यूजुअल जैसे कि माल रोड में होती है। अभी यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। काफ़ी मज़ा आता है मुझे एक्सप्लोर करने में ना, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही। दुनिया में चाहे मैं कितनी भी थक जाऊँ, लेकिन अगर घूमना और शॉपिंग करने की बात आती है तो मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ। और माल रोड पे घूमना तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंसिडेंट्स, मतलब वन ऑफ द फेवरेट थिंग है। एक इंसिडेंस हुआ था जब मैं मनाली गई थी, तो वहाँ जब मैं माल रोड पहुँची थी तो माल रोड बंद हो चुका था, तो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई थी। सो यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी, मिल जाएंगी। एज़ यूजुअल यहाँ की मैगी, चाय, पराठे, और ये क्लॉथ, वॉर्म क्लोथ्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं आखिरकार यहाँ है क्या और नया नया। वाओ, 10%। ओके गाइस, तो मैं माल रोड पे ही हूँ, और मैं भी पीछे अंदर गई थी शॉप पे। वो बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ पे कलेक्शंस भी बहुत अच्छे अच्छे थे। अभी यहाँ पे विंटर्स की कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, ऐसे आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मास्क के बिना एकदम पट्ट से चलान होता जा रहा है, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मास्क कब पीछा छोड़ेगा, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। खैर, अब लगाना तो पड़ेगा। ओके गाइस, तो फाइनली दिस इज़ द चर्च। ये चर्च है, यहाँ पे बहुत फेमस है, और ये जो है यहीं पर कसौली के बिल्कुल मेन माल रोड पर है, और बहुत ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, एंड इसके अंदर जाएंगे तो वीडियो अलाउ नहीं है, सो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ इसलिए। खा गया ना भूखा? बहुत भूखा है ये तो। हाय एवरीवन, तो कसौली के सनसेट पॉइंट आ गए हैं। यहाँ पर ये बहुत ही फेमस है, और इसके लिए काफ़ी ट्रैक करके आपको ऊपर आना पड़ता है। रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, बट बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे स्ट्रेट ऐसे अप की तरफ है, तो काफ़ी थक जाते हैं। खैर, ये सनसेट पॉइंट है, दिस इज़ द सनसेट पॉइंट। बट अभी सनसेट हो नहीं रहा है तो ये विजिबल नहीं है, बट हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और कृति से पूछते हैं। हाँ भाई कृति, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, इतनी गंदी ट्रैकिंग होगी। ये कभी कहीं ट्रैकिंग करती नहीं है लड़की बेचारी, इसलिए बहुत थक गई है। तो ये सनसेट पॉइंट है, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और मतलब इतना चल कर आए हैं तो पैसे हमारे, मतलब पैसे, थकान सब वसूल हो गई है। सो वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपको कैमरा टर्न करके प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। आई होप कि वो आ जाए कैमरे में। Can I feel the joy of being with you? Can I chase the pain away? सनसेट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ। पीछे था सनसेट पॉइंट, पर अभी और भी हाई एल्टीट्यूड पे है जहाँ से सनसेट होते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली दिखेगा। आई होप मैं कैप्चर कर पाऊँ, तब तक मैं पहुँच जाऊँ। और वेदर बहुत अच्छा हो गया है, ठंड हो गई है थोड़ी सी, बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है। वैसे मैंने नीचे वाला भी, जो नीचे वाले पॉइंट को भी मैंने कैप्चर किया है, और अभी यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ बादल हैं। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी,
तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हील्स माउंटेन्स. सी ये पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी सारे ट्रीज दिख रहे थे, बादल थे, और अब देखो नेचर चेंज, एवरीथिंग इज चेंज नाउ. गाइज ये सनसेट होने वाला है अभी. सूरज देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ऐसे क्लाउड्स उसके चारों तरफ चल रहे हैं. मतलब हम लोग भी क्लाउड्स के अंदर ही बैठे हैं, और काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा. ओके गाइस, तो फाइनली मैंने डिनर कर लिया है, और डिनर करके अब मैं माल रोड से वापस अपने होटल जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. कितनी प्यारी रौनक हो रही है माल रोड पे, मन तो नहीं है जाने का, लेकिन होटल थोड़ा नीचे है तो जा वॉक करके जाना पड़ेगा. फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा अब वीडियो अभी आगे का बना नहीं पाऊँगी, तो कल का दिखाती हूँ कल कहाँ जाते हैं. बाय.